इतनी मार लगाई है उसे, कुकड़ी की तरह उसे पीटा है। इतनी बेल्ट बजाई। उनकी प्री प्लानिंग थी ये करने की। 2022 का चुनाव सर पर है, नेता लोग टिकट पाने के लिए ठंडी में पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं मौजूदा विधायक अपना टिकट कट ना जाए इसलिए शाम दाम दंड भेद के फॉर्मूले को आत्मसात कर तेज रफ्तार से सियासत कर रहे हैं। ऐसा लगभग हर पार्टी में हो रहा है, लेकिन सत्ताधारी भाजपा के विधायक टिकट बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। वीडियो में बुलंदशहर के वरिष्ठ भाजपा नेता राजपाल लोधी की पिटाई हो रही है। पीटने वाले कोई बदमाश या किसी दूसरी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि मौजूदा भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के गुर्गे हैं। शुक्र तो ये है कि भाजपा नेता राजपाल की पत्नी बीच में आ गई, वरना भाजपा नेता का क्या हश्र होता, इसका अंदाजा इस दहला देने वाली पिटाई से देख लिया जा सकता है। भाजपा नेता के कुछ साथी अपने नेता को बचाते बचाते खून से लथपथ हो गए और किसी तरह नेताजी और उनकी पत्नी को सही सलामत बवाल वाली जगह से निकाला। भाजपा नेता राजपाल का कहना है कि वो पत्नी और साथियों समेत लगभग रात 9 बजे जन विश्वास यात्रा के कार्यक्रम का निरीक्षण करने इलना गांव गए थे। इसी दौरान वहां भाजपा विधायक के गुर्गों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। कल करीब 9:30 बजे इलना में हमें विधायक जी के समर्थकों ने, विधायक जी के गुंडों ने जानसू मारने का प्रयास किया और हमारे एक आदमी तो इतनी हालत खराब है कि उसका बहुत ज़्यादा उसको चोटें आई हैं और हम भी किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागे। कौन से विधायकों ने आप पे हमला कराने की कोशिश की? यही मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी। वहीं इस मारपीट का वीडियो वायरल होने पर जब भाजपा नेता की पत्नी से बात की गई तो उन्होंने पूरी आंखों देखी कहानी बयां कर दी। पीड़ित भाजपा नेता की पत्नी के मुताबिक ये हमला पहले से प्लान्ड था। हमले में उनके समर्थक को कुत्ते की तरह पीटा गया और बेल्ट पर बेल्ट बजाई गई। पहले जो घटना घटी थी, मैं अपने पति के साथ ही थी। उरैना से हम गेट बना के आ रहे थे तो जो पोस्टर लगने थे वो हम जगह नहीं थी, हमने बल्ली गाड़ी थी, बांस गाड़ी थी। जो हमारे साथ ही लड़का था, हम देखने के लिए रात को आए थे, उरैना वाला काम करके ख़त्म करके इधर को आए थे निरीक्षण के लिए। सभी लोग अपना अपना कर रहे थे और ऐसा हुआ, ये लड़का अंदर गया, वो लोग इसे देख के बांस उखाड़ के हमारे फेंकने लगे। इस लड़के ने कहा, मैं हमारे बांसों को क्यों उखाड़ के फेंक रहे हो? और इतनी देर में ही उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया उनके ऊपर और उनकी प्री प्लानिंग थी ये। सूत्रों के मुताबिक भाजपा विधायक और भाजपा नेता राजपाल के बीच भाजपा का टिकट पाने की लड़ाई चल रही है। ऐसे में पार्टी के कार्यक्रम में नेताओं की भौकाल दिखाने की कवायद चल रही है, जिस कवायद का अंजाम जानलेवा हमला है। बुलंदशहर से कदीम खान की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।